हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, BMHRC रिक्रूटमेंट 2018 के तहत निकली सीधी भर्तियां, मिलेगी 71,000 रुपए सैलरी प्रति माह। तो चलिए बता देते हैं क्या है आवेदन की पूरी प्रक्रिया आज के हमारे इस वीडियो के जरिए। तो चलिए ये शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। जैसे कि दोस्तों, BMHRC रिक्रूटमेंट 2018 की सीधी भर्ती निकल गई है। इस भर्ती में इंटरव्यू के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 71,298 रुपए प्रतिमा सैलरी मिलेगी। ये भर्ती सलाहकार मेडिकल यानी कि कंसल्टेंट मेडिकल के पदों पर की जा रही है। BMHRC कंसल्टेंट मेडिकल रिक्रूटमेंट 2018 से संबंधित अन्य जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट जो की www.bmhrc.org पर जाकर ले सकते हैं। जैसा कि दोस्तों जान लेते हैं भर्ती निकालने वाले विभाग के विषय में। ये भर्ती भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर यानी कि स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, रायसेन बाईपास रोड करोन चौराहा के पास, भोपाल 462038 द्वारा निकाली गई है। जैसे कि दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिटेल के विषय में। तो बता दें आपको, इंटरव्यू की जो दिनांक निर्धारित की गई है वो है 21 जून 2018 सुबह 11 बजे। रिपोर्टिंग का जो समय निर्धारित किया गया है वो है सुबह 9 बजे का। और वहीं आगे बात करते हैं समय के मासिक परिश्रमिक के विषय में यानी कि सैलरी के विषय में। तो बता दें आपको, 71,298 रुपए प्रतिमाह सैलरी निर्धारित की गई है। जैसे कि दोस्तों जान लेते हैं क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बता दें, पहला आता है शैक्षणिक योग्यता। जैसा कि उम्मीदवार 3 साल के अनुभव के साथ MD, MS, DNB तथा DM या MCH में विशेषज्ञता हासिल करना होना चाहिए। इसी के साथ भर्ती के लिए केंद्र एवं सरकार से सेवानिवृत्त हुए चिकित्सक या संविदा आधार पर सेवा देने के लिए इच्छुक चिकित्सा अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो बता दें आपको, उम्मीदवार की जो अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 64 वर्ष। जैसा कि दोस्तों बात कर लेते हैं वैकेंसी डिपार्टमेंट डिटेल के विषय में यानी कि भर्ती वाले विभाग के विषय में। तो पहला आता है एनेस्थीसिया, दूसरा आता है GR सर्जरी, तीसरा आता है न्यूरोलॉजी, चौथा आता है यूरोलॉजी, पांचवा आता है कार्डियोलॉजी, छठा विभाग है GI सर्जरी, सातवां विभाग का नाम है न्यूरो सर्जरी, तो वहीं आठवें विभाग का नाम है CTVS, तो वहीं नवे विभाग का नाम है नेफ्रोलॉजी, तो वहीं दसवें विभाग का नाम है पल्मोनरी मेडिसिन। जैसा कि फ्रेंड्स सब जान लेते हैं अप्लाई एड्रेस डिटेल यानी कि अप्लाई कहां करें। तो बता दें आपको, कॉन्फ्रेंस रूम ब्लॉक 6, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, रायसेन बाईपास रोड करोन चौराहा के पास, भोपाल 462038 पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली रिक्रूटमेंट से जुड़ी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके।